जब लेजर बीम ने माइनक्राफ्ट खेला 14 मिलियन व्यूज़, जब लाइव इंसान ने माइनक्राफ्ट खेला 6.4 मिलियन व्यूज़, जब अल्बेडो ओपी ने माइनक्राफ्ट खेला 30,000 व्यूज़, और जब मैंने माइनक्राफ्ट खेला सिर्फ एक व्यू। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम दोबारा से एक बार खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। जैसा कि पिछले वाले वीडियो में याद होगा कि मैंने डायमंड्स ढूंढे थे, और डायमंड ढूंढ कर मैं एक पिकैक्स बनाई थी डायमंड की। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे पिकैक्स और डायमंड की, जिसकी बहुत बढ़िया दिख रही दिखने में लग रही है। और गाइस मैंने मेरे दिख में एक्सपी लेवल देखिए गाइस, अब 14 हो चुके हैं। और गाइस और आज की वीडियो में बनाऊँगा एक एन्चांटमेंट टेबल। यस गाइस, और गाइस आपको दिखा दूँ कि मैं ऐसे थोड़ा ऑफ कैमरा में थोड़ा एक्सप्लोरिंग करने गया था, और मैं यहाँ से 5 शुगर केन लाया, पास में मेरी रिवर थी वहाँ से शुगर केन लाया हूँ 5। तो गाइस हमने जब ऐसे बना दिए कि हमने ऐसे डायमंड पिकैक्स बना ही लिए, तो अब हम ऑब्सिडियन तोड़ सकते हैं और नेदर पोर्टल के अंदर भी जा सकते हैं। पर आज से मैं आज एन्चांटमेंट टेबल ही बनाऊँगा, वही जहाँ पर रात होने वाली, शाम हो चुकी है। और चलो अब चलते हैं सोने। अच्छा अभी पूरी तरह से रात नहीं हुई है, और इस आज मैं ऑब्सीडियन तोड़ूंगा और साथ ही साथ एक एन्चांटमेंट टेबल भी बनाऊंगा, जो मैं कब से बनाना चाहता था। अब तक रात ही नहीं हुई यार। चलो कोई बात नहीं। और गाइस अगर आपने मेरा डायमंड वाला वीडियो अब तक नहीं देखा, इसके मैं डायमंड फाइंड करता हूँ, तो अब देख लीजिए, मैंने थोड़ी देर पहले डाला है वो। अब सोचता हूँ, हाँ चलिए गाइस अब हम ऑब्सीडियन को माइन करेंगे। गाइस ऑब्सीडियन को टूटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और गाइस मैंने 8 वैसे मैंने 8 वो भी तोड़े, मतलब किए थे आयरन, वो तो आप वीडियो के अंदर ही किए थे, यहाँ पर 8 आयरन भी है। पहले काम करता हूँ कि मैं एक लेगिंग बना लेता हूँ आयरन की। हाँ कि बस थोड़ा सा ये आर्मर के थोड़े से ही वो चाहिए इक्विपमेंट्स, और इसको पहन लेता हूँ। अब कहा गया ये गाइस, मैं चेस्ट प्लेट अभी इसलिए नहीं बनाई क्योंकि अभी इसके अंदर 8 लगते हैं, मैं फ्लिंट एंड स्टील भी बना पाऊंगा फिर। चलिए गाइस अब चलते हैं ऑब्सीडियन को माइन करने। गाइस मैं ऑब्सीडियन वाला पार्ट आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि गाइस बहुत लंबा वीडियो जाता था, अब इसलिए हाँ ठीक है, इसलिए मैं दिखा नहीं पाया आप लोगों को ऑब्सीडियन वाला पार्ट। इसलिए आपको मैंने पिछले बार बहुत सारा रेड स्टोन भी माइन किया था, देख सकते हैं अब 2 स्टैक ऑफ रेड स्टोन है और भी ज़्यादा है। अब हम ऑब्सीडियन को माइन करेंगे। बहुत स्लो चल रहा है मेरा, तेज चलते हैं। ब्राइटनेस को क्या हो गया गाइस, देख से मैं ब्राइटनेस थोड़ी तेज कर गाइस कर ली तेज मैंने ब्राइटनेस। अबे यही पर गई था ना, और गाइस मजा आता हूँ ये रहा। हाँ यहाँ पर ब्राइटनेस इतनी कम क्यों है, तो टॉर्चर लगाओ, नहीं यहाँ पर क्यों लगा रहा हूँ मैं गाइस। हाँ तो पहले ऑब्सीडियन माइन करेंगे, और एन्चांटमेंट टेबल के लिए 2 डायमंड भी चाहिए होते हैं। ओके बस मैं होप करता हूँ कि नीचे कोई वो ना हो। गाइस ऑब्सीडियन को टूटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पहले मैं देख लूँ कोई लावा थोड़ी ना है नीचे। नहीं हाँ अब लेते हैं, गाइस बहुत टाइम लग ज़्यादा टाइम लगता है ऑब्सीडियन को टूटने में। गाइस एन्चांटमेंट टेबल के लिए 4 ऑब्सीडियन चाहिए, ये एक संभल कर माइन करूँगा, नीचे लावा में कूद ना जाऊँ मैं। आ गया ना, हाँ शुक्र आ गया। इसको वैसे बंद कर देता हूँ लावा को, इतना दिक्कत हो जाएगी वरना खुद ही ना कर जाऊँ कि मर जाऊँ। हाँ ये हो गया, और यहाँ पर एक और फ्राक हो जाता हूँ, वो चला जाएगा। 4 चाहिए हमें एन्चांटमेंट टेबल के लिए, और लैपिस लाजुली चाहिए होता है गाइस, मैं बता चुका हूँ पहले वाले वीडियो में कि उससे हम एन्चांट कर पाते हैं चीज़ों को। अच्छा लेबल जरूरी माइन कर लेता हूँ गाइस, मेरे हिसाब से 12th कोऑर्डिनेट अलर्ट हुई, मतलब 12th लेवल में ही मिलते हैं लेबल जरूरी। वैसे यही पचास मैं पिछली बार डायमंड माइन किया था, वहाँ पर देखता हूँ कि वहाँ पर कोई लेबल जरूरी है क्या। एक तो यहाँ पर वो बहुत, यहाँ पर मैंने पिछली बार माइन किया था डायमंड बहुत सारा। स्टोन की पिकैक्स लेते हैं और स्टार्ट करते हैं फिर। यहाँ पर टॉर्चेस रख लूँ, एक टॉर्चेस यहाँ पर रख दिया गाइस। और आज हम लोग एन्चांटमेंट टेबल बना कर ही रहेंगे किसी भी हालत में। और एक गाइस मैंने लेपिस लाजुली का नाम लिया और सामने ही है वो, इन्वेंट्री फुल तो नहीं है ना, ये जगह है। आओ मैं लग बहुत बढ़िया चल रही है, कितने सारे हैं यहाँ पे एक इसको। अच्छा ये हम कर गाइस ये हम लोग कर सकते हैं माइन,
स्टोन की पिकैक्स से। पर और भी है बहुत सारा, एक बार में इतने सारे मिलते हैं मैंने तो सुना ही नहीं था, थोड़ा तो और क्लियर कर लेता हूँ। बहुत सारे लग रहे हैं मेरे हिसाब से, यहाँ पर एक है। ऐसे एक बार में इंचांट करने के लिए शायद एक या दो ही चाहिए होते हैं, वैसे इंचांटमेंट टेबल के लिए हमें बुक्स ही बहुत सारी लगती है, पर मेरे पास इतनी बुक शेल्फ चाहिए होते हैं, यहाँ पर ऊपर भी है, वाओ बुक शेल्फ चाहिए होती है, पर बस बुक शेल्फ नहीं है, पर अभी ना बुक्स है बनाने के लिए उन्हें, जिन लोगों को पता नहीं है बुक्स कैसे बनाते हैं, बुक्स बनाना भी सिखा देता हूँ। कितने हो गए मैंने ये तो देखे ही नहीं, यहाँ पर और भी है 49 लोगों, इतने सारे मिलते हैं, कम से कम मैंने 5-10 ही माइन किए होंगे अब तक, देखता हूँ कितने हो गए। वैसे 40-54 है काफ़ी अब तक के लिए, तो ये हमारे पास हो गया। अब बुक्स बनाने के लिए मैं दिखाता हूँ आपको क्या करना होता है, बस बुक्स बनाने के लिए हमें चाहिए होती है एक कई वीडियो हो तो रहे ना देख लूँ। हाँ बुक्स बनाने के लिए चाहिए होती है हमें, पहले तो पेपर चाहिए होते हैं और एक लेयर चाहिए होती है, पेपर बनता है उससे शुगर केन से, तो पहले हमें शुगर केन, हमारे पास इतना सारा पड़ा हुआ है, 3 शुगर केन चाहिए होता है शायद। हाँ पहले हम लोग क्या करते हैं, जब हम पास पास लाइन में से 2 तो हम लगा रहे थे वो सैंड रिवर, मतलब हमारे जो सब पास में सी है उसके पास में, सी तो नहीं बोल सकते उसे, लेक बोल सकते हैं शायद, और बाकी 2 हम लोग कर लेते हैं, अगला 3 का जो यूज़ आएगा उसे यूज़ कर लेते हैं। भाई मैंने अब तक विलेज भी एक्सप्लोर नहीं किया है, तो अगले एपिसोड पर पहले तो मैं जरा नेदर पोर्टल में जाऊँगा, पहले फिर विलेज को एक्सप्लोर करूँगा, मैंने अब तक विलेज को भी एक्सप्लोर नहीं किया। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 लगा दिए, बाकी अब 3 का भी यूज़ किया आएगा हमें। गाइस मेरी फूड वाली हेल्थ भी कम हो रही है, फूड वाली हेल्थ, वैसे लेदर भी चाहिए होगा तो इसलिए पहले मारना पड़ेगा गाय को। उस अगले एपिसोड में गाइस मैं प्रॉमिस है कि हम लोग नेदर में जाएंगे, नेदर को एक्सप्लोर करेंगे। ये हमें लेदर मिल गया और एक्सपी पॉइंट्स भी मिल गए गाइस, वैसे हम लोग एनिमल्स को मार के एक्सपी पॉइंट कलेक्ट कर सकते हैं। गाइस 5 मिनट की वीडियो बन चुकी, 7 मिनट की बन चुकी है। अच्छा चलिए गाइस चलते हैं एन्चांटमेंट टेबल बनाने, और 2 डायमंड यूज़ करने पड़ेंगे गाइस हमें। चलिए कोई बात नहीं, ओके यहाँ पर जगह है क्या, कोई नहीं है, चलो कुछ फालतू का सामान रख लेता हूँ, स्टिक्स काम, अगर रेड स्टोन काम का नहीं है, स्टिक्स काम की नहीं है, और ऑक्सीजन तो काम का, ये और ये डर्ट मतलब सैंड भी काम का नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। अब वक्त है एन्चांटमेंट, अच्छा डायमंड तो ले लूँ पहले मैं, अगर इस वक्त है एन्चांटमेंट टेबल बनाने का, आई एम सो एक्साइटेड। पहले बुक्स बनानी पड़ेगी ना हमें गाइस, पेपर बना लेते हैं पहले हम लोग, पेपर से अब हम लोग बुक बना लेंगे, और बुक से हम लोग बना एन्चांटमेंट टेबल, फाइनली हम लोग एन्चांटमेंट टेबल बना सके बना चुके हैं। तो पहले हम लोग एक जगह सेलेक्ट करते हैं एन्चांटमेंट टेबल रखने के लिए, ये रही जगह। वैसे बाद में मैं गाइस में बुक्स बनाऊंगा बहुत सारी, और फिर बुक शेल्फ बनाऊंगा। अब हम लोग के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, पहले हम अपने डायमंड की पिकैक्स को करेंगे, ओके। तो क्या क्या आ रहा है, अनब्रेकिंग 1, इसको साइड में कर, अनब्रेकिंग 1, एफिशिएंसी 1 और अनब्रेकिंग 1। गाइस हम लोग अनब्रेकिंग 1 ही लेते हैं, अनब्रेकिंग 1 लेते हैं, एफिशिएंसी 1 लोग अनब्रेकिंग 1 लेता हूँ गाइस मैं, इससे मेरी पिकैक्स जल्दी नहीं टूटेगी। भाई हम लोग एक बार में एक एन्चांटमेंट ले सकते हैं, और मैं अपने स्वॉर्ड के अंदर ऊपर भी लगा देता हूँ एक एन्चांटमेंट, बेनोथ्रॉप्स 1, स्माइट 1, शार्पनेस 1 लगाना चाहूँगा मैं बस यही, और अपनी आयरन की पिकैक्स के अंदर भी अनब्रेकिंग 1 लगा देता हूँ मैं, तो एफिशिएंसी 1 अनब्रेकिंग 1। तो गाइस मैंने एन्चांटमेंट लगा दी है, और गाइस मैं एन्चांटमेंट एन्चांटर बन चुका हूँ, और गाइस मेरा आज का वीडियो यही के लिए यहाँ तक ही लिए होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर पहली बार आए हो तो, और बेल आइकन प्रेस करना, और गाइस मेरे डायमंड वाले वीडियो को देखना मत भूलना, और अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।